दोस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आ, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रिएटिविटी एंड फूड विथ प्रीति में मैं प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे किचन की हालत एक्चुअली ना रात में मैं सोई काफ़ी लेट थी तो आ, मुझे दूसरा भी कुछ काम करना था इस वजह से काफ़ी लेट हो गया मैं बर्तन रख नहीं पाई थी बर्तन धुल तो दिए थे पर हाँ सारे टॉप पे बिखरे पड़े हैं और बस मैं भी सुबह सुबह सात बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ मैंने रख दिया है चाय और बस मैं सबको चाय दूँगी और मैं भी चाय पीऊँगी फिर लग जाऊँगी अपने काम पर आज एक स्पेशल डे है और वो है मेरी बेटे का बर्थडे है तो क्योंकि उत्कर्ष का बर्थडे है देखिए ऐसा होता है ना कि हम लाइफ में कई बार चाहते हैं कि हम कुछ बहुत अच्छा करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर खुशी हमें पैसे से मिलती है कुछ खुशी कुछ डिफरेंट करके मिलती है तो बस ऐसा ही कुछ मैं आज अपने बेटे के बर्थडे पे कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ तो बहुत ही नॉर्मल से बर्थडे में उसका मनाऊंगी पर हाँ ऐसा कुछ डिफरेंट करूँ जिससे उसके मन को बहुत खुशी मिले और मेरे मन को तो बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है हाँ थोड़ी मेहनत होगी बट ठीक है इट्स ऑल फाइन म्यूज़िक के लिए ना आपको थोड़ी तैयारियाँ पहले से करके रखनी पड़ेगी जैसे कि आपको आलू को उबाल करके उसे छील कर उसे काट लेना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको अदरक लहसन का पेस्ट बना करके रख लेना होगा अदरक लहसुन मिर्ची का मैंने रात को ही बना लिया था अदरक लहसन का पेस्ट बना के मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया था और आलू तो मैंने अभी ही बॉयल करा है और मम्मी ने उसे छील बेल दिया और काट दिया तो मेरा हो गया फिर अब हम लोग चाय पी करके फिर शुरू करते हैं तो एक बात बताऊँ सब्ज़ी जो बनी थी ना सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी और मेरे हस्बैंड ने तो मुझसे ये भी कहा कि तुम जो रोज़ सब्ज़ी बनाती हो उससे ज़्यादा उससे कई गुना ज़्यादा ये सब्ज़ी अच्छी बनी है और ये देखिए आगे जनाब सली खा दे हाँ। अब यहाँ पर तेल गरम करके मैंने उसमें नॉर्मल जो मेरे मसाले होते हैं मैंने वो डाला और अदरक लहसन का पेस्ट डालकर मैंने उसे अच्छे से फ्राई कर लिया है एक्चुअली में कैमरा ऑन करना भूल गई थी और इसे मुश्किल से दो से एक से दो मिनट लगेंगे आपको ये बहुत जल्दी भुन जाता है बिल्कुल तो जब ये तेल छोड़ सेपरेट कर देगा ना तो बस आप इसमें पानी डालिए और पानी डाल करके इसे बॉईल कर दीजिए अच्छे से जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर आप इसमें आलू डाल दीजिएगा वेरी सिंपल है और इसी समय इसमें नमक भी डाल दीजिए ताकि जब आप आलू डालें तब तो आपको दोबारा कुछ डालना ना पड़े और हल्का सा ना ग्रेवी छोड़ दीजिएगा तो उससे क्या होगा ना जब ये ठंडा होगा तो बिल्कुल अच्छा सा मतलब बढ़िया सब्ज़ी बन जाएगी वरना ज़्यादा सूखा अगर आप अभी कर देंगे तो बाद में ठंडा होगा तो वो ज़्यादा सूखा हो जाता है तो थोड़ी सी मैं ग्रेवी इस तरह से डालनी है कि सूखी सब्ज़ी बनानी पर हल्की हल्की ग्रेवी रहे ताकि वो बाद में थोड़ा मसाला मसाला सा दिखे अच्छा सा लगे वो देखने में अब ये देखिए मेरी सब्जी बन के हो गई है रेडी देने के लिए उन्हें अब मैं यहाँ पे आटा गुनूँगी और आटा गुन करके बस आपको पता है मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना सारा आटा गुनाया जब मैं लेके बैठी तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ और ये कैसे हो पाएगा बट कहते हैं ना जो चीज़ मन में ठान लो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है तो हाँ मैंने कोशिश किया शुरू करा थोड़ा टाइम तो थो लगा बट यस आई डिड इट इसके बाद अब पूड़ियाँ छानना है तो मम्मी अभी आएंगी पूड़ियाँ बेलने के लिए बस यहाँ मैं तेल गरम कर रही हूँ और अभी मम्मी आ जाएंगी तो फिर वो पूड़ी बेल देंगी और मैं फटाफट छान लूँगी फिर ठंडा होने के बाद हमें उसे पैक भी करना है क्योंकि हमें उसे कहीं लेके जाना है अब हम लोग ये पूड़ियाँ तल रहे हैं और चलते चलते हम लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे थे तो इसी में बच्चे है ना वो आके बहुत परेशान भी करा तो मम्मी बार बार उसे देख भी रही कहीं वो परेशान ना करे मम्मी काउंट भी कर रही हैं कि जितने पैकेट्स बनाने हैं उस पैकेट के हिसाब से पूड़ियाँ हो रही हैं कि नहीं तो हम लोगों ने फटाफट कर लिया है अब ये देखिए मेरी पूड़ियाँ बन के हो गई हैं रेडी और सब्ज़ी और पूड़ी दोनों की दोनों बन गई हैं अब इसे हमें ठंडा करना है और बस ठंडा होने के बाद हम इसकी पैकिंग स्टार्ट कर देंगे तो फ्रेंड्स आपको देख कर कैसा लग रहा है मेरी मैं सब्ज़ी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि मैं आपसे बता नहीं सकती कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी घर पे तो सबने बहुत मन से खाया और बस ये अब पैक कर रहे हैं ये ठंडा हो चुका है पैक करके फिर ये निकलेंगे जाएंगे इसे देने के लिए उसके बाद फिर हुआ क्या ना कि जब ये बाट के आए वहाँ से तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कहाँ गए थे तो फिर ये आके बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे तो फिर इन्होंने कहा कि तुम और बना दो तो फिर मैंने उसके बाद फिर पचास पैकेट्स और बनाए लगभग तो शाम को मम्मी भी कहीं चली गई थी बाहर और फिर मुझे अकेले लगभग करना पड़ा बस ये पूड़ियाँ बेलने के लिए आए थे और अभी फ़िलहाल ये बच्चे को देख रहे तब तक मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ और वही नॉर्मल वही वाली सब्ज़ी सेम सेम बनानी थी बस यहाँ पर हमें खीर बनाना था तो बस मैं बगल में मखाने वखाने तलूँगी दूसरी वाली कढ़ाई में मखाने तल लूँगी क्योंकि पापा का मेरे व्रत है तो व्रत में वो कुछ खाएंगे तो है नहीं तो उनके लिए मैं मखाने वाली खीर बनाऊंगी और हम लोगों के लिए चावल वाली खीर बनाऊंगी तो बस मैं मखाने तलूंगी और इसके बाद फिर मैं मखाने निकाल करके मैंने चावल को भिगो के रख लिया साइड में उसे कूट के मैं चावल को ये फ्राई कर लूँगी इसी कढ़ाई में और मैंने ये कर लिया अब ये देखिए मैंने मैं दूध लेने गई खीर के लिए तो मैंने देखा कि ये दूध पूरा फ्रिज में एकदम जम के रेडी हो रखा था तो मैं इसे लाई हूँ और फिर मैंने इसी से खीर बनाया इसे पिघला करके और अब वो गए शाम तो मैंने हम लोग दोबारा गए और ये देखिए यहाँ हम लोग आए थे बांटने के लिए तो बेटू के हाथ से तो हमने एक पैकेट दे दिया था सबको ये बच्चे इतने प्यारे थे ना इन्हें देखकर यही लग रहा था कि यार इतने छोटे छोटे बच्चे बताओ हम अपने बच्चों को कितना प्यार देते हैं और ये भी हैं जो इस तरह से खाने के लिए ठीक है करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये चीज़ थक तो काफ़ी गई थी और यहाँ पे हम लोग आए इनका केक लेने के लिए इनके लिए केक वगैरह लिया और इन्हें जो चाहिए तो वो लिया अब हम लोग घर पे डेकोरेशन करना है रात के बज गए थे जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे काफ़ी टाइम हो गया है बस हम लोग फटाफट तैयारी कर रहे हैं इनके बर्थडे की और ये हमें परेशान करने में लगे हैं ये तो केक के पीछे इतना ज़्यादा पड़ गया था कि मम्मी इसे पकड़ते पकड़ते परेशान हो गई थी और ये देखिए फ़ोटोशूट चल रहा है केक का और मम्मी को देखिए बेचारी एकदम परेशान है क्योंकि वो छुड़ा छुड़ा के भाग रहे हैं और बस उसका पूरा का पूरा ध्यान केक पे था कि कैसे केक को बिगाड़ना है किसी की बात सुन ही नहीं रहा था <laughs> मम्मी की हालत ख़राब कर दिया था इसने अभी पापा को हम लोग बुलाएंगे तो इसके बर्थडे के लिए बस सब लोग आ ही रहे होंगे हम लोग बर्थडे आना स्टार्ट करने वाले हैं ये देखिए टोपी की हालत इसने क्या कर रखी है मम्मी से सीधा कर रही है पर वो लगाएगा है नहीं क्योंकि बार बार बिगाड़ दे रहा है और ये देखिए शहन साहब बैठ गए हैं बीच में अपने सिंहासन पे ये ना इस कैंडल से बहुत ही डर रहा था जैसे कैंडल जलाना फिर तो ये कैंडल केक के पास ही नहीं जा रहा था कहा गया इसे फूक दो फूक दो कैंडल लेकिन डर रहा है मम्मी क्यों तो परेशान कर रखा था जा ही नहीं रहा फूकने के लिए जा रहा फिर इसे याद आ जा रहा है कि अभी कैंडल कितनी के तेज़ से जला था और जैसे ही कैंडल बुझ जाएगा फिर वापस से इनका ध्यान केक के ऊपर है और बहुत ही खुश हैं ये कि कुछ तो डिफरेंट हो रहा है आज घर में ये भाग रहे हैं अब केक काटने के लिए भी नहीं कर रहा था पर कैसे कैसे करके बड़ी मुश्किलों सब ने कटवाया है लास्ट में पापा ने हाथ पकड़ा है तब जा कर के इसने केक काटा है उसके बाद अब ये देखिए कहा जाएगा दादी खिलाओ तो खिलाता नहीं है फिर दादी इसे खिला देती है, उल्टा पर ये सब का केक लेके ख़ुद ही खाने के चक्कर में पड़े हैं और इनके पापा को भी नहीं खिला रहा था तो कैसा लगा आपको ये बर्थडे मनाने का तरीका बताइएगा ज़रूर मुझे आप सभी यहाँ पे अब चल रहा है पैर छूने का सेशन देखिए आशीर्वाद लिया जा रहा है दाद बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार छोटी सी जिंदगी को इंजॉय करो यार अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा थैंक यू